कहानी तेरा इजराइल गै सागै परमेश्वर की वाचा। इजराइलिया ने लाल समुंदर मूह पार ले जान गए बाद परमेश्वर बने जंगल मूह हो गए सीने कहवान आले पर्वत की तरफ ले चलो। ओ बोई पर्वत हो जठे मुसा जलती हुई जाड़ी ने देखो हो। बे लोगा ने बी पर्वत गए नीचे आप गए तंबुआ ने खड़ो करो। परमेश्वर मूसा ने अर इजराइल का सारा लोगा ने कहो थाने हमेशा मेरी बातों ने मानना है अर जिकी वाचा मैं थारे सागे बंधू हूँ बिने बना के रखनो है। जे थे इं करो हो तो थे इनाम का बहुत कीमती धन याजकां गो राज्य अर एक पवित्र जाति ठहरोगा। परमेश्वर द्वारा बंगे कन्ने आन गए खातिर लोगों ने तीन दिन तक आप ने तैयार करो। फिर परमेश्वर सीने पर्वत की चोटी पर नीचे उतरियो। जद बो आयो तो भूकंप होयो बिजलियां चमकी धुओं उठ्यो अर तुरैया गो जोरदार शब्द होयो। फिर मूसा आप ऊपर पर्वत पर चढ़ गयो। फिर परमेश्वर लोगों के सागे एक वाचा बांधी बने के ओ मैं थारो परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ही हूँ जिके थाने मिश्र की गुलामी मुँह छुड़ायो। कोई भी अन्य देवता की उपासना को नहीं करनी मूर्तियां ने बनान अर बिंगी उपासना को नहीं करनी क्योंकि मैं यहोवा थारो एकमात्र परमेश्वर हूँ। गलत रीति मुँह मेरो नाम गो इस्तेमाल को नहीं करनो। सबत के दिन ने पवित्र मनान खातिर याद राखियो। दूसरे शब्दा में छह दिना में आपका सारा काम करियो। सातवें दिन थारे खातिर विश्राम करन अर मन ने याद करन गो दिन है। आपके माता अर पिता गो आदर करियो। हत्या ना करियो व्यभिचार ना करियो चोरी ना करियो। आपके पड़ोसी की पत्नी बिंगे घर या बिंगे की भी समान ने लेन की इच्छा ना राखियो। परमेश्वर भी लोगां ने जिका नियम दिया हा बे बंगो पालन करन खातिर सहमत होया। बे केवल परमेश्वर का लोग होन अर केवल बिंगी आराधना करन खातिर सहमत होया। परमेश्वर इजराइलिया ने एक बड़ो तंबू बनान खातिर भी कियो। मिलाप आलो तंबू बने बने ठीक ठीक बतायो कि इं तंबू ने किया बनानो है अर बिंगे मां किसी चीजा ने राखनो है। बने बने इं तंबू ने दो कमरा गए भाग में करन खातिर एक बड़ो पर्दो ने बनान खातिर भी कियो। परमेश्वर भी पर्दे गए पीछे आला कमरा में आवेगो और बैठे रहेगो। जठे परमेश्वर हो भी कमरे में जान की इजाजत केवल महायाजक ने ही। बे लोगों ने भी मिलाप आला तंबू के सामने एक वेदी ने बनानो होवेगो। कोई भी जिको परमेश्वर की व्यवस्था ने तोड़ देवे वो भी वेदी पर एक जानवर ने ले गया आवे। फिर याजक बिने बलि करेगो अर वेदी पर परमेश्वर खातिर बलि के रूप में जावेगो। परमेश्वर कहो के भी जानवर गो लहू भी आदमी गए पापा ने ढांप लेवेगो। ई रीति मु अब परमेश्वर भी पाप ने कोनी देखेगो। वो आदमी परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध ठहरेगो। परमेश्वर मूसा गए भाई हारून ने अर हारून गए वंशजा ने आप गो याजक होन खातिर चुनियो। फिर परमेश्वर दस आज्ञा पत्थर की दो पट्टिया पर लिख गए मूसा ने दिया। परमेश्वर पालन करन खातिर लोगा ने अन्य बहुत सी व्यवस्था दी। जे बे ई व्यवस्था गो पालन करेओ तो परमेश्वर भी लोगा ने बरकत देन अर बांगी सुरक्षा करन की प्रतिज्ञा करी। पर बे लोगा कहो के जे बां इंगो पालन कोनी करेओ तो बो बा ने सजा देवागो। कई दिना तक मूसा सीने पर्वत की चोटी पर ही रहो। वो परमेश्वर सागे बात करा हो पर लोग मूसा वापिस लौटन को इंतजार करता करता थक गया। ई खातिर बे हारून गए कन्ने सोना ले गए आया अर सोना मुँह एक मूर्ति बनान खातिर कियो ताके बे परमेश्वर ने छोड़ गए बांगी उपासना कर सके। ई रीति मुँह बां लोगां भयंकर रूप मुँह परमेश्वर के विरुद्ध पाप करियो। हारून बछड़े गए आकार में सोने की एक मूर्ति बनाई। बे लोगां भी मूर्ति की उपासना करनो शुरू कर दियो अर बिने बलि चढ़ाई। लोगां गए पाप की वजह मु परमेश्वर बां सागे बहुत होया। परमेश्वर बां ने नष्ट कर देनो चावा हो पर मूसा परमेश्वर ने बां लोगां ने ना मारन की विनती करी।
परमेश्वर मूसा की सुनी अर बन नष्ट को नहीं करो। आखिरकार मूसा सीने पर्वत मु नीचे उतरायो, वो भी दो पत्थर की पट्टियां हाथ में ले गए, जिकी गया ऊपर परमेश्वर दस आज्ञा ने लिखो हो। मूसा मूर्ति ने देखो वो इतो गुस्सो होयो के बने भी पट्टियां ने तोड़ दियो। फिर मूसा भी मूर्ति ने पीस गए बांगो बुर्दो बना दियो, और भी बुर्दा ने पानी में मिला गए बां लोगा ने पिला दियो। परमेश्वर बां लोगा पर विपत्ति भेजी, बामू बहुत लोग मर गया। जिकी पट्टियां ने मूसा तोड़ दियो हो, बांगो स्थान लेन खातिर मूसा भी दस आज्ञा गी पत्थर पर नई पट्टियां बनाई। वो फिर पर्वत पर चढ़ गयो और प्रार्थना करी के परमेश्वर बां लोगा ने क्षमा कर देवे। परमेश्वर मूसा की सुनी और बां ने क्षमा कर दियो। नई पट्टियां पर दस आज्ञा ने ले गए, मूसा पर्वत मु नीचे उतर आयो। फिर परमेश्वर सीने पर्वत मु ले गए, प्रतिज्ञा गए देश तक इजराइलियां की अगुवाई करी।